राजस्थान के जयपुर में आयोजित महंगाई को लेकर रैली में मध्य प्रदेश के सोपुर से कमलनाथ के जो है नेतृत्व में यहाँ पर लोगबाग आए हैं, तो उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, मध्य प्रदेश से आप आए हैं, क्या इसको राष्ट्रीय स्तर की रैली माने और अब बिगुल यहाँ से बच गया है पूरे देश में? पूरे देश के अंदर बिगुल हाथ राजस्थान की माटी से बना है, जो दिल्ली सरकार और देश के केंद्र की सरकार ने दिल्ली की रैली जो कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ बुलाई थी माननीय राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, उससे डर करके लगातार किसान आंदोलन से पहले से डर रही थी, लगातार महंगाई से डर रही थी, उस रैली को निरस्त किया और माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उस रैली को राजस्थान में ला करके आज उस माटी के अंदर से बिगुल पूरे देश में बजाया है, जहां राजस्थान का लहू पूरे देश के अंदर कुर्बानी के रूप में जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में चंबल घाटी का जाना जाता है, ऐसे ही राजस्थान के अंदर जाना जाता है। तो आप ये समझ जाइए, आज माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश से भी हजारों संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, जयपुर भिंड मुरैना ग्वालियर से लेकर के तमाम जगह से। ये आवाज जो आज राहुल गांधी जी उठाएंगे, अशोक गहलोत जी उठाएंगे, निश्चित रूप से आप मान के चलिए अगले 2 साल बाद पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का डंका बजने वाला है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर परचम फहराने वाली है। महंगाई रैली में मध्य प्रदेश के भिंड से रामजी लाल आए हैं, उनका क्या कहना है उनसे बात कर लेते हैं। रामजी लाल, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा कहना ये है कि भाजपा सरकार कहती है 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है, 70 साल में अगर कांग्रेस ने किया नहीं तो ये बेच क्या रहे हैं भारत सरकार में आके, इन्होंने सब कुछ बेच दिया, कुछ बचा ही नहीं है। और महंगाई की इतनी मार है कि जनता बुरी तरह त्रा त्रा कर रही है, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे पोमाल हो, चाहे रिफाइंड हो, चाहे सरसों का तेल हो, ये सब इतने महंगे कर दिए कि लोग बहुत बुरी तरह परेशान है। इसलिए इस सरकार को हटाया जाए, इसकी बिल्कुल बर्खास्ती कर दी जाए, बस इतना कहना है। उनका कहना है कि बीजेपी की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसको हटा दिया जाए ताकि महंगाई कम हो जाएगी, ऐसा इनका कहना है। महंगाई की रैली में राजस्थान ही नहीं, पूरे देश से जो है लोग बाग आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सभी लोग एक स्वर में बोलते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड से यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, ये प्रत्याशी भी रह चुके हैं लोकसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं। सर, महंगाई ने आम इंसान की कमर तोड़ दी है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे इस सरकार के दौरान महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है और भारत में जब से 1919 के बाद से हमने बाजार खोला है, महंगाई तो देखने को मिली है, लेकिन उसके साथ साथ में महंगाई के साथ साथ में लोगों की आमदनी भी बेतहाशा वृद्धि हुई है, बड़ी है। लेकिन इस सरकार के अंदर महंगाई तो बड़ी है, बेतहाशा बड़ी है, लेकिन लोगों की जो आमदनी है वो भी घट के आ गई, घट चुकी है। इस चक्कर में जो महंगाई की मार है वो दुगनी हो गई है, बेतहाशा बेरोजगारी बड़ी है। इस वजह से इस सरकार के दौरान जो गरीब तबका है, जो मिडिल वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। साथ ही साथ ये भी आंकड़े सामने है कि असमानता जो होती है, जो अमीर गरीब की जो रेखा है, अमीर और गरीब के बीच में जो भेद है, वो भी बढ़ता जा रहा है। केवल कुछ चुनिंदा उद्योगपति हैं, जो कि राहुल जी आरोप लगाते आएंगे कि चुनिंदा उद्योगपतियों का भला हो रहा है और बाकी सब लोग परेशान हैं, वो सब सामने निकल के आ रहा है। इसी वजह से आज कांग्रेस ने ये महारैली का आयोजन किया है और इसमें तमाम देश के लाखों लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। तो क्या माने पूरे देश में आज यहाँ से बुगिल बज चुका है महंगाई के खिलाफ? महंगाई के खिलाफ तो जनता त्रस्त थी ही, जनता बहुत देर से आस लगा रही थी, कांग्रेस पार्टी से आस लगा रही थी, कांग्रेस पार्टी निकल के आए और जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर जाए, जो आज की कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो है महंगाई एक आम इंसान को मारती जा रही है, पहले कोरोना था उसके कारण बेरोजगारी और बढ़ी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। भाजपा में 2 लोग बेचने के लिए तैयार हैं, 2 गुजराती और 2 गुजराती खरीदने के लिए तैयार, इससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र बेरोजगार हो रहे हैं, पूरे देश की व्यवस्थाएं बिगड़ गई। इसलिए इसकी समस्या का एक ही हल है कि कांग्रेस का शासन पुनः आए। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि महंगाई ने जो है आम इंसान की कमर तोड़ दी है और इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है।